जय श्री श्याम। मेरे टेरेस गार्डन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज मैं मिर्ची के अंदर गुड़ाई करूंगी और फर्टिलाइजर भी डालूंगी। ये मेरा मिर्ची का पौधा है, बंदर ने देखो टहनी तोड़ दी है, बहुत अच्छी टहनी थी उसको तोड़ दी है। इसको बारिश की वजह से इसमें बहुत सारा पानी रुक रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ी गुड़ाई कर देती हूँ ताकि धूप लग जाए, फिर इसमें खाद डाल दूँगी। मैं गुड़ाई कर देती हूँ ताकि मैं इसमें खाद डाल सकूँ। बिल्कुल गीला हो रहा है, एकदम धूप भी कम आ रही है। मिर्ची देखो कितनी अच्छी आ रही है इसकी। ये मेरा दूसरा पौधा है, देखो मिर्ची, घनी मिर्ची आ रही बड़ी बड़ी। टाइम टू टाइम इसमें खाद डाल रही हूँ मैं। ये मेरा छोटा सा पौधा है देखो मिर्ची का, इतना सा ही गमले में है, लेकिन खाद अगर अच्छे से डालोगे, अच्छी देख रेख करोगे तो सब में मिर्ची लगेगी। बारिश की वजह से गीला हो गया पूरा। इस पर थोड़ा सा धूप लगा देंगे तो अच्छी मिर्ची लगेगी। फिर लगा देखो, इसके भी बहुत अच्छी अच्छी मिर्चें लग रही है, चारों मेरे अंदर बहुत ही प्यारी मिर्ची। ये मैंने कट्टा में लगा रखा है, देखो कितनी मिर्ची है ये, इसकी बहुत अच्छा फल आया इसके। इसमें मैंने खाद डाला है और कुछ ये मूंग के छिलके भी मैंने डाल दिए। देखो हमारे पास वेस्ट दाल पड़ी थी, वो भी मैंने इसमें डाली। ये देखो, ये मूंग के वो है, मूंग का जो कचरा था, घर का वेस्ट कचरा था, वो भी मैं डालती हूँ इसमें। आज मैं इसकी गुड़ाई कर देती हूँ, फिर देखना आप लोग। आप भी अपने घर में लगा सकते हो सब्जी, छत के ऊपर गमलों में, कौन कहता गमलों में नहीं हो सकती है। मेहनत करो तो कहीं भी हो सकती है, सबसे बड़ी मेहनत है। मेहनत ही सबसे अच्छा रंग लाती है। आज मैं अगर इसकी गुड़ाई कर दूंगी तो हवा लग जाएगी, थोड़ा धूप आ रखा है, आज बारिश नहीं आई है। ये ऐसा कचरा कूड़ा भी निकाल दो, आपको मतलब का नहीं है। इसके भी अभी बहुत सारा फल आ रहा है, ये देखो बहुत मिर्ची लग रही है इसके। ये छोटा सा गमला, इसमें भी मिर्ची लग रही है देखो, ये देखो। और ऐसे कीड़े भी आ जाते हैं कई बार, देखो ये रहा कीड़ा, मिर्चियों के कीड़े भी लग जाते हैं देखो। इतनी अच्छी मिर्ची लगी है अभी बारिश में, देखो इसकी हवा लगाने के लिए मैंने रखा है। मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए और नमस्ते, राम राम।